एवरीवन, वेलकम टू अडोनिस सिब्लिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही हैं। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं मैथ्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th। ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करी थी। उसका चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था। स्टैटिस्टिक्स का हमने पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आया फर्स्ट पार्ट। आज हम सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको और ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियोस को अच्छे से देखिएगा और कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। 7th क्लास के, 8th क्लास के भी वन बाय वन हम सब्जेक्ट सारे कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो कंटेंट भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 7th क्लास का मैथ्स हमने स्टार्ट कर दिया है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर के हमारे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, वो भी हमारे हो जाएंगे, चल रहे हैं, ठीक है। 6 चैप्टर उसमें चल रहा है हमारा कंप्यूटर का, और 7th चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी की सीरीज लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और 8th क्लास में अगर आपका कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर पढ़ता है, कोई भी सिबलिंग पढ़ता है अगर आपका 8th क्लास में, तो हमने वैल्यू एजुकेशन 8th क्लास की कंप्लीट कर दिया। बायोलॉजी ऑलमोस्ट एंड पर है, वो भी कंप्लीट होने वाली है, और जल्दी हम केमिस्ट्री क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड की भी सीरीज़ लाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। तो स्टैटिस्टिक्स बताया था न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम डेटा बोलते हैं, बताया था, ठीक है। उस न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन, फिर उसका क्लासिफिकेशन होना, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया जाता है ग्रुप्स में, फिर उसका एनालिसिस होता है यानी कि चेकिंग होती है उसकी, फिर इंटरप्रिटेशन होता है उसका यानी कि एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं यानी कि रिजल्ट और एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? ब्रांच होती है मैथ्स की जो डील करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से। किस चीज़ का होता है ये सब? न्यूमेरिकल डेटा का होता है। तो उसमें हमने सबसे पहले, जब हमारे पास डेटा का कलेक्शन तो ऑलरेडी होगा, तो उस डेटा का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे हमने वो देखा था सबसे पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी कि हम उस डेटा को अरेंज किस तरीके से करेंगे, ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा 2 टाइप्स का होता है, हमने ये पढ़ा था। एक हमने रॉ डेटा पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने एरेड डेटा। रॉ डेटा यानी कि अनक्लासिफाइड डेटा होता है, और एरेड डेटा यानी कि क्लासिफाइड डेटा होता है। रॉ डेटा या फिर अनक्लासिफाइड डेटा आपका सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं रहता, वो सिस्टमाइज्ड रहता है, ठीक है, सिस्टमाइज नहीं होता है वो। और एरेड डेटा जो होता है आपका सिस्टमेटिकली अरेंज रहता है। किस तरीके से अरेंज रहता है कि आप उसे इजीली समझ सकते हो, उसे स्टडी कर सकते हो उस डेटा को, ठीक है। जबकि आप रॉ डेटा को इजीली स्टडी नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। रॉ डेटा का हमने ये एग्जांपल देखा था, ठीक है। जैसे आपने देखे ना, यहाँ मार्क्स बच्चों के थे, मैथ्स में एग्जाम हुआ था 7th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो उसके मार्क्स दिए हुए हैं रॉ नंबर वाइज, तो देखिए कैसे ऊपर नीचे आए। तो ये रॉ डेटा हो गया। फिर हमने इसी डेटा को 2 टाइप से अरेंज करना सीखा था, उसमें हमने ये देखा था, ठीक है। और ये वाला जो हमने टेबल 2 बनाई थी, ये वाली जो टेबल बनाई थी हमने, ये आपको ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रही थी, ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और ये आपको स्टडी करने में भी इजी लग रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी पर्टिकुलर आइटम है, आपके पास कोई भी एक डेटा दे दिया, उसमें एक पर्टिकुलर आइटम, टर्म, डेटा कुछ भी है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पूरे कलेक्शन में, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर हमने टेलीमार्क्स पढ़ा था। टेलीमार्क्स आपको पता है, ठीक है, उसके बंडल्स कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, ऐसे पढ़ा था ना। तो टेलीमार्क्स बनाना भी हमने सीखा। फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखी थी जिसमें 3 कॉलम्स बनते हैं। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन आती हैं, जो भी आपको डेटा दिया होता है यानी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आता है हमेशा, यानी कि छोटे से बड़े में। फिर उस डेटा का हम टेलीमार्क करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। फिर हमने पढ़ा था रेंज ऑफ डेटा कैसे निकालते हैं। रेंज ऑफ डेटा यानी कि आपको एक डेटा दिया जाएगा, उसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो आपकी रेंज ऑफ डेटा आ जाएगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम करेंगे इस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स जिससे आपको और डेटा क्लियर हो जाएगा ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला सॉल्व्ड एग्जांपल में क्या है हमारा? दी हाइट्स, हाइट जो होती है वो दी हुई है आपको यहाँ पर मीटर्स में, 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है, ऑफ अ क्लास आर। ये आपको पूरी हाइट्स दी हुई हैं 10 बच्चों की, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स की
ये हाइट दी हुई है मीटर्स में, तो आपको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग तो स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो लिखोगे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, नीचे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है वन लाइन ड्रॉप करने के बाद, ठीक है। ध्यान से अब ये डेटा देखिए, आप सारा डेटा अगर आप देख रहे हैं तो 1.5 1.5 1.5 1.5, ज़्यादा वन जो टर्म रिपीट हो रही है वो 1.5 रिपीट हो रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल टू लार्ज, ये लिखते हो ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है इसमें डिजिट 1.5, ठीक है, 8 तो बड़ा हो गया, फिर 2 है, 1.5 तो सब में है, तो बाद की डिजिट देखिए, सबसे पहले 1.5 है, फिर इससे छोटा तो कुछ नहीं है ना, 1.6 है या फिर 1.5 है, तो 1.5 आपका सबसे छोटा हो गया, तो आप लिखोगे पहले 1.5, और जौन सी टर्म जितनी बार रिपीट हो रही है आपको वही लिखना है, तो 1.5 कितनी बार है, 1, 2, 1.5 लिख दिया। उसके बाद कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, वो इसके बाद कौन सी बड़ी है, फिर देखिए 8 बड़ा है, फिर 1.52 है, इसके आगे देखिए 1.52, इससे छोटा कोई सा है, नहीं है ना, तो फिर आपकी नेक्स्ट डिजिट हो गई 1.52, फिर 1.6 बड़ा हो गया, 1.5 हमारा हो चुका है, ठीक है, उन पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारे हो गए हैं, 1.53, फिर इससे छोटा कोई सा और नहीं है, तो आपका आ गया 1.53, फिर देखिए, फिर 1.53 एक टाइम ही रिपीट हो रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर एक बार लिख दिया आपने, 1.53 के बाद कौन सी है, 1.54 दी हुई है आपको यहाँ पर, 1.54, 3 के बाद 4 आता है तो 1.54 हो गया, कितनी बार रिपीट हो रहा है 1.54, एक बार ये रहा और एक बार यहाँ है, तो आपको 2 टाइम्स ही लिखना होगा, ठीक है, जौन सा टर्म जितनी बार रिपीट हो रहा है आपको उतनी बार ही वो लिखना है, आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। 1.54 हो गया, 1.54 के बाद 1.55 आएगा, 55 कहीं पर नहीं है, 1.56 आया, 1.56 भी नहीं है, 1.57 आएगा, फिर 1.58 आएगा, ठीक है, 1.58, तो 1.54 के बाद क्या आ गया, 1.58, देन अगेन 1.58 टू टाइम्स है, फिर 1.58 के बाद क्या आएगा, क्या बचा, 1.59 या फिर 1.6, है ना, तो 1.6 बच रहे हैं, 1.6 एंड 1.6, तो ये डेटा आपका किस में अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब फिर आपसे पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसे ही आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है आपका, लार्ज टू स्मॉल, तो सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा छोटा, ऐसे सीरीज बन जाएगी फिर आपकी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप इसे ही रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो सबसे पहले 1.6 आ रहा है लास्ट में, 1.6 1.6, फिर क्या रहा है, 1.58 टू टाइम्स आ रहा है, ये स्टूडेंट्स की हाइट है मीटर्स में, ठीक है, 1.58 हो गया, 1.54 आ रहा है टू टाइम्स, 1.54 हो गया, देन 1.53 1.52 1.5 एंड 1.5, तो इससे इन दोनों सीरीज को आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है ये, तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो कि आपके अगर 10 टाइम्स आपने डेटा लिख दिया है तो आपके आपने सारे डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और डिसेंडिंग में भी आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंट्रीज इन दी फॉलोइंग डेटा, आपको ये डेटा दिया हुआ है, तो इसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है, लार्जेस्ट एंट्री जो है और स्मॉलेस्ट एंट्री जो है, उनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है। फ्रीक्वेंसीज आपको पता है कैसे बताते हैं, ठीक है, तो आप पहले लार्जेस्ट एंट्री लिखोगे, लार्जेस्ट एंट्री कौन सी है इसमें देख कर बताइए जल्दी से, लार्जेस्ट एंट्री है आपकी यहाँ पर 18, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी इसकी, फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाते हैं, जो आइटम जो ऑब्जर्वेशन जो एंट्री आपको दी हुई है वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है उस पर्टिकुलर डेटा में, ठीक है, तो 18 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 18 की, 3 हो गई, ठीक है, लार्जेस्ट एंट्री का तो निकाल लिया, फिर अब आपको निकालना है स्मॉलेस्ट एंट्री का, किसका, स्मॉलेस्ट एंट्री, स्मॉलेस्ट एंट्री कौन सी है इसमें आपकी, 10, ठीक है, 10 है ना स्मॉलेस्ट, फिर इसकी अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, 10 कितनी टाइम्स आ रहा है, देखो 1
एंड टू, तो फ्रीक्वेंसीज की कितनी हो गई टू। सिंपल है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना और डेटा को अरेंज भी करना आ गया आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेट ऑफ टेलीमार्क्स। आपको ये टेलीमार्क्स का एक सेट दिया हुआ है तो इसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है मेक टेलीमार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी सिक्स, और आपको सिक्स की क्या बनानी है, टेलीमार्क्स बनाना है, ठीक है। तो ये कितना लिख रहा है और ये इसकी आपको क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी टेलीमार्क्स बनानी है, ठीक है। तो ये है आपका ये, ठीक है। तो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। तो ये क्या लिख रहा है आपका, 11 है ये, ठीक है, ये हो गया। एंड टेलीमार्क्स बनाना है आपको तो आप पहले लिखेंगे क्या, टेलीमार्क्स ऑफ सिक्स। तो सिक्स की कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, ओके, ये हो गया सिक्स। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा, सिंपल है टेलीमार्क्स बनाना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर देना है, ठीक है। तो ये डेटा किस चीज़ से है, ये डेली वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, डेली सैलरी दी हुई है एक पर्सन की, और ये नंबर ऑफ लेबरर्स हैं, तो यानी कि 80 रुपीज़ अगर किसी पर्सन को पर दिन मिल रहे हैं तो वो 12 लेबरर्स को, यानी कि 12 मजदूरों को 80 रुपीज़ मिल रहे हैं पर डे, ठीक है। 90 रुपीज़ मिल रहे हैं 4 लेबरर्स को, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं 10 लेबरर्स को। तो इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है, तो आपसे बोल रहा है हाउ मैनी लेबरर्स कैन अर्न, कैन नहीं सॉरी, हाउ मैनी लेबरर्स अर्न रुपीज़ 120 पर डे। 120 पर डे कितने लेबरर्स ने अर्न किया, तो 120 पर डे, 120 11 लेबरर्स ने, तो आंसर क्या आ गया आपका, 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी लेबरर्स, क्या हाउ मैनी लेबरर्स अर्न मोर देन 100 रुपीज पर डे, यानी कि 100 से ज़्यादा कितने लेबरर्स ने कमाया, 100 से ज़्यादा हो गया आपका 120, 150 और 180 रुपीज़ के, ठीक है। तो 120 के कितने लेबरर्स हैं, 11 प्लस 150 के 2 प्लस और 180 का 6, तो 11 प्लस 2 प्लस 6 तो क्या आएगा आपका 19। तो टोटल 19 लेबरर्स जो हैं 100 रुपीज़ से एक्स्ट्रा मतलब ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मैनी लेबरर्स अर्न, हाउ मैनी लेबरर्स अर्न मोर देन, नहीं सॉरी, रुपीज़ 100 और लेस इन अ डे, एक दिन में। अब उसका जो अभी हमने सॉल्व किया उसका अपोजिट पूछ रहा है, कितने लेबरर्स जो हैं पर डे में 100 या उससे कम कमा रहे हैं, 100 या उससे कम, तो आपको 100 वाला भी लेना है, 100 या उससे कम बोल रहा है ना, तो 100 भी लेना है उससे कम वाला भी लेना है। तो 100 के कितने हैं, 10 प्लस फिर 94 एंड 80 रुपीज़ कमा रहे हैं 12 लेबरर्स, तो 4 प्लस 12 कितना आ गया आपका, 26। तो 26 लेबरर्स ऐसे हैं, 26 मजदूर ऐसे हैं जो 100 से कम और 100 कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज एंट्री विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंट्री विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वाली एंट्री की आपको ये बताना है, ठीक है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी की है, 2, तो क्या लिखोगे आप, रुपीज 150 वाले की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का, एंट्री विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले की एंट्री बतानी है आपको, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एंट्री विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो किसकी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए 12, 4, 10, 11, 2, 6, तो 12 के लेबरर्स कितने हैं, रुपीज 80 कमा रहे हैं, ठीक है, तो रुपीज 80, ओके। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा दिया हुआ है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, एंट्री देन टेलीमार्क्स देन फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये 3 कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं आपको। अभी से हम करते हैं एंट्री जो करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एंट्री लिख लीजिए क्या क्या है, 80 फिर 90 100
110, 120, 130 एंड 140 इनका आपको टेलीमार्क्स बनाना है। टेलीमार्क्स किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, 80 कितनी टाइम्स आ रहा है आपको वो करना है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आपके पास लार्ज डेटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, उस पर कट कर सकते हैं। तो 80 देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, 1, 2 टाइम्स आ रहा है, तो टेलीमार्क्स बना दीजिए 2 का, और यहाँ पर आपको नंबर्स में लिखना है, ओके। 90 देख लीजिए अब, 1, 2 90 भी 2 टाइम्स है, 2, 2 100 कितने टाइम्स आ रहे हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स आ रहा है 100। तो 7 की क्या टैली के मार्क्स कैसे बनाएंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 7। ऐसे ही 110 की, 110 कितनी बार आ रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए फिर से, 1, 2, 3 एंड 4 तो 1, 2, 3, 4 120 कितनी टाइम्स आ रहा है आपका, 1, 2, 3 ओके, 1, 2, 3 एंड 3 हियर। 130 कितनी टाइम्स आ रहा है आपका, 1, 3, 0 दैट इज 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड 140 लास्टली, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओके। 5 के टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड हियर इज 5। आपको यहाँ पर इसका टोटल करना होता है, ठीक है। टोटल कीजिए जल्दी से, 2 and 2, 4, 4 and 7, 11 and 4, 15, 16, 17, 18, 19 and 5 कितना हो गया, 24 ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। खुद प्रैक्टिस करिए, और आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, दी हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, क्या क्या हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स में, 140, 143, 150, 135, 152, 146, 150, 152, 135 एंड 138। तो आपको बोल रहा है फाइंड रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला याद है? रेंज ऑफ डेटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, यही हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें देखिए लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपकी, 152 है ना, तो लिखिए 152 माइनस, एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है आपकी, देखिए स्मॉलेस्ट आपकी 135, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 17 सेंटीमीटर, ये आपकी रेंज ऑफ डेटा हो गया। तो इसके साथ हमारे सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे इस चैप्टर की। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, रेंज ऑफ डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, और डेटा कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है, और टेबल से कैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी हमने सीखा, टेलीमार्क्स सीखा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, आपका एक एक कमेंट एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।